स्लीप मोमेंट का चैप्टर सीबीएसई क्लास 9। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सॉल्यूशन चाहिए तो आप एडुकेशनल गुरु के ब्लॉग को विजिट कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी लिंक आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके प्लेलिस्ट को भी चेक करें, इसकी लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। आज की ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सैडनेस भी भरा हुआ है। ये कहानी है तीन लोगों के बारे में, जॉन सी, सू और ब्रह्मन, और एक लास्ट लीफ की। तो ऑटम का सीजन चल रहा होता है और जोर से हवाएं चल रही होती है, बारिश भी तेज हो रहा होता है और सारे पत्ते लीफ के जो एक आईवी क्रीपर प्लांट के थे वो टूट के गिर चुके होते हैं सिवाय एक के। तो वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरा, वो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सू और जॉन सी एक यंग आर्टिस्ट थे जो एक फ्लैट में साथ में रहते थे और उनका ये फ्लैट एक पुराने घर के थर्ड फ्लोर पे था। जॉन सी नवंबर में काफी बीमार पड़ गई, उसे निमोनिया हो गया था। वो इतनी बीमार थी कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, सिर्फ बाहर विंडो के बाहर देखी जा रही थी। उसके हालत को देख सू काफी परेशान हो रही होती है और उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसके चेकअप के लिए हर दिन आते थे लेकिन जॉन सी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर एक दिन डॉक्टर सू को रूम के बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या जॉन सी को कोई बात को लेके वो परेशान है। सू ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वो अपने दिल में ये बैठा ली है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दवाइयां भी उसे ठीक नहीं कर सकती। अब सू ने काफी कोशिश की जॉन सी को आसपास के चीजों में इंटरेस्ट लेने के लिए, लेकिन जॉन सी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही होती है, बस अपने बेड पे लेट के खिड़की के बाहर ही देखा करती थी। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन सी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी और सीटी बजाने लगी ताकि जॉन सी का ध्यान थोड़ा सा भटके अपने इलनेस के ऊपर से। फिर कुछ देर बाद सू ने कुछ सुना जो जॉन सी के मुंह से वर्ड निकल रहा था, उसे बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, खिड़की के बाहर देखते हुए। सू ने तुरंत खिड़की के बाहर देखा और देखा कि एक आईवी क्रीपर उसके ब्रिक वॉल पे हाफ आ चुका है जो बिल्कुल उनके विंडो के अपोजिट था और बाहर इतनी हवाएं तेज चल रही थी कि उस क्रीपर प्लांट के पत्ते एक एक करके गिरती जा रही थी। सू ने जॉनसी से पूछा, क्या हुआ डियर। तो जॉनसी ने कहा, 3 दिन पहले उस क्रीपर प्लांट पे ऑलमोस्ट 100 लीफ थे लेकिन अब 6 लीफ ही बचे हैं और काफी तेजी से गिर रहे हैं और अब 5 बचे हैं। सू ने कहा, ये ऑटम का सीजन है और पत्ते तो गिरेंगे ही। इस पे जॉन सी कहती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी और ये बात मैं पिछले 3 दिन से जान रही हूँ। सू चिल्लाते हुए, ये सब बेकार की बातें हैं, ये लीफ गिरने और तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉनसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर सू ने जॉनसी के लिए एक कटोरी सूप लाई लेकिन जॉनसी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, वो देखो अब सिर्फ 4 लीफ बचे हैं और मैं उस प्लांट का लास्ट लीफ को भी गिरते देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले और फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। फिर सू ने जॉनसी के माथे को किस किया और कहा, तुम नहीं मरोगी। और सू ने जॉनसी से ये रिक्वेस्ट किया कि वो विंडो से बाहर ना देखे। जॉनसी ने कहा, ठीक है तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से पूरा कर लो क्योंकि मैं वो लास्ट लीफ को गिरता देखना चाहती हूँ, मुझे तो मरना ही है, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। सू ने कहा, सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और मैं बेहरमैन को बुलाऊंगी मेरा मॉडल बनने के लिए, बेहरमैन जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। सू जल्दी से उनके पास गई, वो लगभग 60 साल के एक ओल्ड पेंटर थे जिनका ये ड्रीम था कि वो अपने लाइफ का एक एंटिक पीस पेंट करे लेकिन ये बस उनका ख्वाब बन के रह गया था। सू ने अपने प्रॉब्लम जॉनसी को लेके बेहरमैन को बताई कि जॉनसी ये सब सोच रही है कि वो भी मर जाएगी जब क्रीपर प्लांट के लास्ट लीफ गिर जाएंगे। बेहरमैन ने कहा, क्या वो बेवकूफ है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है। सू ने कहा,
उसे निमोनिया है और फीवर भी काफी ज्यादा है और वो खाने पीने से भी इनकार कर रही है और ये बात सू को और परेशान कर रही है। बेहरमैन ने कहा, ठीक है चलो मैं चल के देखता हूँ जॉन्सी को। फिर दोनों दबे पाव कमरे में गए। जॉन्सी सो रही होती है, फिर सू ने पर्दे लगा दिए। फिर सू दूसरे रूम में चले गई। उन्होंने देखा कि बस एक लास्ट लीफ ही बचा था और बारिश और हवा इतनी तेज हो रही थी कि वो आखिरी पत्ता कभी भी गिर सकता था। बेहरमैन ने कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। दूसरी सुबह जॉन्सी उठी और सू से कहा पर्दे को हटाने के लिए। सू काफी नर्वस थी। सू ने डरते हुए उस पर्दे को हटाया और खुशी से बोली, ओह जॉन्सी देखो अभी भी एक लीफ बचा है उस प्लांट पे और वो लीफ कितना हरा और हेल्दी दिख रहा है। इतनी हार्स मौसम में भी वो लीफ नहीं गिरा। जॉन्सी ने भी कहा, हाँ मुझे लगा था कि वो इस तूफान में गिर चुकी होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो आज पक्का गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। सू ने कहा, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मेरे लिए अपने दोस्त के लिए जीना होगा, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो। शाम के समय में एक जोरदार तूफान आया लेकिन लीफ फिर भी नहीं गिरा। फिर जॉन्सी ने सू को बुलाया और कहा, मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा लेकिन मैं तुम्हें कॉपरेट नहीं किया। मैं काफी ज्यादा डिप्रेस थी, उदास थी, लेकिन उस आखिरी लीफ ने ये मुझे सिखा दिया कि मरना बस एक पाप है। फिर सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया और काफी सारा हॉट सूप पीने के लिए दिया। फिर जॉन्सी ने अपने बाल ठीक किए और एक प्यारी सी स्माइल दी। फिर दोपहर में जब डॉक्टर जॉन्सी को देखने आए तो बताया, हाँ अब उसमें काफी सुधार है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे बेहरमैन को देखने जा रहा हूँ, उन्हें भी निमोनिया था और मुझे डर है कि वो नहीं बच पाएंगे। फिर दूसरी सुबह सू जॉन्सी के पास उसके बेड के पास बैठ गई। जॉन्सी से कहा कि आज सुबह बेहरमैन मर गए, उन्हें 2 दिन से निमोनिया था। जेनिटर ने उन्हें फर्स्ट दिन उनके बेड पे देखा, उनके क्लोथ्स और सू गीले थे और वो कांप रहे थे, वो पूरी रात इस तूफान में बाहर थे। फिर उन्हें एक सीढ़ी और एक लैंटर्न मिला उनके बेड के पास और कुछ ब्रशेस, दी ग्रीन कलर ग्रीन एंड येलो पेंट्स फ्लोर पे लेडर के सामने पड़ा था। सू ने कहा, OMG, ओ माय गॉड, जॉन्सी डियर खिड़की के तरफ बाहर देखो, उस आईवी लीफ को वो हिल क्यों नहीं रही है, इतनी तूफानी हवाएं में भी वो हिल क्यों नहीं रही है, तुमने ये एक बार भी नोटिस नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा। वो बेहरमैन का एक मास्टरपीस था जो उन्होंने आधी रात को वो आखिरी लास्ट लीफ को पेंट किया था और तुम उस पेंटेड लीफ को देख ये सोच रही थी कि वो पत्ती गिर क्यों नहीं रही है। वो बेहरमैन की इस सेक्रीफाइस के लिए रोने लगती है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन।